बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल पहले चरण का चुनाव होना है 5 राज्यों में, उसमें असम और बंगाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग जो मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वो चुनाव प्रचार की डोर संभाले हुए हैं। नितिन गडकरी उनमें से एक है जिनको रोड करी के नाम से जाना जाता है। मेरे सहयोगी नीरज ने उनसे खास बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको ये सुनना चाहिए। इस समय असम के चुनावी दौरे पर हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और लगातार असम बंगाल के दौरे कर रहे हैं। सर, चूंकि आज असम में हैं आप, तो असम को लेकर क्या उम्मीदें हैं, कैसी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देखती है? देखिए, पिछले 5 साल में जब हमारे केंद्र में सत्ता थी, वो 5 साल और अभी के 1.5 साल में, हमने जो 50 साल में नहीं हुआ वो असम में किया है। अच्छे रोड बनाए हैं, ब्रह्मपुत्र का ड्रेजिंग किया है, बराक का ड्रेजिंग किया है, मूली बांग्लादेश तक अब जलमार्ग बनाया है हमने। आसाम के विकास के लिए रोड नेटवर्क बहुत अच्छा खड़ा किया है। जितने ब्रिज ब्रह्मपुत्रा पर अभी तक नहीं बने, वो 6 साल में हमने 6-7 ब्रिज बनाए। हमने एक प्रकार से आसाम में रेलवे, एयरपोर्ट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। अब आसाम का विकास हो रहा है, आसाम की गरीबी भुखमरी दूर हो रही है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक तरफ सोनोवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया और मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो काम किया, उसकी पॉजिटिव काम की छवि और वो काम लोगों ने देखा है, और उसी के आधार पर लोग वोट करेंगे और हमारी जीत होगी और आसाम में हमारी सरकार आएगी, ऐसा मुझे लगता है। देखिए सर, जो चर्चाएँ हैं वो इन सब विषयों से हट के CA पर है, NRC पर है, कम्युनल मुद्दों पर है, तो आपको लगता नहीं है कि जो मेन मुद्दे थे विकास के, आपने कहा आपने इतने सारे काम किए हैं, वाकई बहुत सारे काम असम में देखने को भी मिल रहे हैं, लेकिन जो इश्यूज हैं वो बिल्कुल भटक गए हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि आप कम्युनल तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं, CA और NRC को मेन फोकस में रख के आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, हम लोग जातिवाद और सांप्रदायिकता का उपयोग कभी नहीं करते। जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन करना हमको मान्य नहीं है। ये बद्रुद्दीन जी के साथ जिस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने अलायंस की है, उसका एजेंडा ओपन है। वो कौन सा ध्रुवीकरण करना चाहते ये लोग समझ रहे हैं। हम 5-6 साल में हमारे आसाम की सरकार ने और भारत की सरकार ने जो पॉजिटिव काम किया, आसाम को पहली बार 50 साल में नहीं हुआ वो काम किया, उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और उसी के आधार पर हम जीतेंगे, यही मेरा विश्वास है। लेकिन आप मानते नहीं कि असम में CA एक मेजर इशू है? देखिए, हमारे देश के जो नागरिक नहीं है कानूनी मार्ग से, उनको नागरिकत्व देना और वोटिंग राइट देना केवल चुनावी राजनीति के लिए कहाँ तक उचित है? मुझे लगता है कि देशहित के विषय को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये सब बातें जो है, क्या बांग्लादेश में हमारे यहाँ से लोग चले जाएंगे तो क्या वहाँ के नागरिक बन सकते हैं? क्या वहाँ मतदान का अधिकार मिल सकता है? तो विदेशी नागरिक है जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनको लेकर इस प्रकार की राजनीति करना ये देश के हित में नहीं है, नहीं करना चाहिए। NRC को लेकर क्या आप लोगों की सोच है, कब तक लागू करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब विषयों को चुनाव में लाकर उसको ध्रुवीकरण करना, इसके बजाय देश के हित में इस विषय की शांति से चर्चा होनी चाहिए, लोगों ने इसको समझना चाहिए। हम इसको चुनावी मुद्दों से दूर रखना चाहते हैं, हम विकास के मुद्दों पर, सरकार ने किए हुए काम पर, और विशेष रूप से भारत सरकार का जो आसाम के विकास में योगदान रहा है और राज्य सरकार का किया हुआ काम है, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम चुनाव जीतना चाहते हैं और जनता भी हमें वोट देना चाहती है। हम उसी के बात पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इधर उधर चुनाव के विषयों को घुमाना, जब हम हमारे काम पे जीत रहे तो हमें उधर घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिब्रूगढ़ की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि नागपुर से पैदा हुई एक सेना पूरे देश को कंट्रोल कर रही है। आप भी चूंकि नागपुर से आते हैं, नागपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या आपको लगता है कि उनका जो बयान है, उनके बयान को आप किस रूप में लेते हैं? मुझे लगता है उनके बयान को कांग्रेस वाले भी सीरियसली नहीं लेते, तो आप क्यों लेते हो? वो ऐसे बयान देकर वो कांग्रेस पार्टी का इतना नुकसान कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे लोग भी उनके बयान को, मीडिया भी सीरियसली लेती नहीं। मुझे लगता है कि उदार अंतकरण से उनको माफ़ कर देना चाहिए और उनके बयान को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नितिन गडकरी जी थे, मानना है उनका कि 5 राज्यों में हम बड़ी ताकत बनकर उभर कर सामने आएंगे, असम और बंगाल को लेकर बहुत आश्वस्त हैं, और नितिन जी का मानना है कि बंगाल में भी सरकार बनेगी और असम में भी सभी मुद्दों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त सरकार बनाएगी। कैमरामैन मनोज के साथ नीरज पांडे, ABP News, गुवाहाटी।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।